वो तो भाई यूजलेस है, मतलब उसका कोई तो काम ही नहीं है। ब्रेक पैड चेंज कराओगे 3500 रुपये लग जाएंगे, आगे के करा लोगे 4000 लग जाएंगे, सर्विस इसकी 4 से 5 हज़ार रुपये में होती है। इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो कोई सोल्यूशन नहीं मिला है उसका, रॉयल एनफील्ड ने कुछ नहीं करा उसके लिए। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो लगा लो 24-26 ऐसा मिलता है। और दोस्तों लद्दाख में जॉर्जिला पास, आंगलांगला, खारदुंगला, चांगंगला, हर पासिस बिना हम दोनों भाई बैठ के बिल्कुल प्यार से गए। बट यस, अगर सडनली कोई भी एक बम्प आ जाता है दोस्तों तो पिलियन के बैक में बहुत तेज की, जो आप कहते हैं ना, लोअर बैक में बहुत तेज हिट करता है। भाई सुना था कि रॉयल एनफील्ड हर जगह है, बट जब लद्दाख ट्रैवल कर रहा ना तो एक्चुअल में दोस्तों पता चला रॉयल एनफील्ड एक्चुअल में हर जगह है। जो ये है ब्रेकर्स वगैरह में ना लगती है, तो भाई इससे अच्छा आप एक गाड़ी ले लो अगर आपका मन है तो। ट्रैफिक में वाट लगा देती है ये बाइक, वाट। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई हम भी बढ़िया हैं। और भाई आज हम बात करने वाले हैं अपने सुपर मीटियोर के 1 ईयर ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि भाई हमने इस पे कंप्लीट कर लिया 10,000 किलोमीटर। अगर आपको दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो 10,870 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया। और उसी के साथ साथ मुझे इस बाइक पर हो गया है 1 पूरा साल। एंड दोस्तों ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, आपके मन में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा सुपर मीटियोर के बारे में। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो क्रूजिंग स्पीड हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो सिटी राइड हो, चाहे वो जॉब हो, इसके मेंटेनेंस कॉस्ट हो, इसकी सर्विस हो, क्या क्या चीज़ें ख़राब होती है एक साल में, क्या क्या चीज़ आपको बदलवानी पड़ती है, किन किन चीज़ों में पैसा लगता है, कैसा मज़ा आता है, क्या क्रूजिंग स्पीड रहती है, मतलब A to Z आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस बाइक के साथ दोस्तों मैंने लद्दाख ट्रिप भी करा है, ठीक है, दिल्ली में तो मैं इसको राइड करता ही रहता हूँ और काफ़ी सारे ट्रिप जो है मैं इस पर कर चुका हूँ, प्लस सिटी में भी मैं चलाता हूँ, ऑफिस भी कई बार लेके गया हूँ इसको, तो हर चीज़ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि वीडियो जो है ना आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन यस ये वीडियो पूरा पूरा डिटेल में होगा, एक एक चीज़ों के बारे में होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये बस सुपर मीटियोर के बारे में, चाहे आप शॉटगन लेते हो चाहे सुपर मीटियोर लेते हो, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही चेसी पर बेस्ड हैं। तो दोनों एक ही चेसी पर बेस्ड हैं, दोनों एक ही इंजन जो है वो शेयर करते हैं, तो काइंड ऑफ सेम एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, राइट? तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। एंड सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों खरीदी और आपको क्यों खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो भाई पहली बात यह है कि भाई मेरे पास थी इससे पहले मीटियोर 350 रॉयल एनफील्ड की, ऑफकोर्स। एंड वो जो बाइक है दोस्तों मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, मतलब वो जो बाइक है ना दोस्तों एक ऐसी बाइक है जो परफेक्ट है हर चीज़ में, मतलब आप उससे सिटी राइड, ट्रैवल, जॉब, मतलब सब कुछ कर सकते हो आप, ऐसे सेगमेंट की बाइक है। माइलेज, पावर वगैरह सब कुछ उसमें ना एक बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करा हुआ है मीटियोर 350 में, बात करूँ तो। हाँ जी, तो पहले मेरे पास वो थी और उसमें थोड़े बहुत इशू आने लग गए थे इलेक्ट्रॉनिक के, राइट? 2 साल के अंदर उसकी RNR यूनिट जो थी ना वो फूकने लग गई थी बार बार ही, तो उसकी वजह से मुझे वो बाइक को सेल ऑफ करना पड़ा। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ जब मैंने उस बाइक को इनिशियली चलाया था तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन धीरे धीरे ना जैसे आप बाइक को चलाते हो आपको कहीं ना कहीं पावर का लैक फील होने लग जाता है कि भाई हाँ पावर जो है ना इसमें कम है, पावर का लैक नहीं, सॉरी, पावर जो है थोड़ी सी कम है, वो आपको फील होने लग जाता है, और जो मुझे भी फील होने लग गया था। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैं हूँ, मेरे को यार ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो जब आप ट्रैवल करते हो दोस्तों आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए होती है, ऑफकोर्स ही बात है, ताकि आपका जो डिस्टेंस हो वो जल्दी कवर हो, आपकी क्रूजिंग स्पीड वगैरह हो वो भी अच्छी रहे। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर पावर का लैक ना हो, पिलियन भी हो तो भी आराम से आपकी बाइक चल जाए, और मुझे ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी हुई इसके साथ लद्दाख में, तो इसलिए दोस्तों मैंने इस बाइक को ख़रीदा था, क्योंकि मेन कंसर्न था दोस्तों पावर। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ एज पर पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैंने 350 ली ना तो मुझे एक साल के बाद ही ऐसा लगने लगा कि मुझे बाइक चेंज करने की ज़रूरत है, और अब मुझे इस बाइक के साथ एक साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि भाई मुझे बाइक चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये जो मेजर चीज़ है ना ये मुझे इसमें फील हुई, क्योंकि भाई कोई कमी मुझे इस बाइक में नहीं लगती है, कोई भी कमी, अगर छोटी मोटी कमी तो सब में होती है, लेकिन दोस्तों इसमें ना कोई भी ऐसा मेजर कमी नहीं है जो आपको फील होगा कि यार काश ये होता तो बस आग ही लगा देते, ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइक बहुत बढ़िया है। तो ये रही पावर फिगर वगैरह की बात, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों ट्रैवल की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो ये जो बाइक है एक क्रूज़र है, उसी के हिसाब से ये बनाई गई है, और अगर मैं इसकी क्रूजिंग स्पीड की बात करूँ तो भाई इसके लिए कोई लिमिट नहीं है क्रूजिंग स्पीड की। और जो सबसे अच्छी चीज़ है इसके साथ कि भाई इसके साथ बड़ा इंजन मिलता है। पता है दोस्तों क्या होता है, जब आप एक 350 सीसी की बाइक चलाते हो तो उसको अगर आप 100 पे चलाओगे ना, 110 पे चलाओगे वो, तो वो बहुत जल्दी फ्यूल को जो है दोस्तों कंज्यूम करती है। लेकिन इसके साथ पता है क्या है,
ये है एक बड़ा सीसी, तो इसके लिए 100 और 110 बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी है, राइट। तो ये नॉर्मल फ्यूल कंज्यूम करती है, और ये हमने एक्सपीरियंस करा था लद्दाख में। तो विशाल भाई की बाइक थी 350 और मेरी थी 650, एंड यू वोंट बिलीव दोस्तों, हमारे दोनों के पेट्रोल वगैरह में ना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं था। तो अब दोस्तों पेट्रोल की बात हो ही रही है, तो इसकी माइलेज की बात भी कर लेते हैं। तो भाई इसके साथ जो माइलेज मेरे को मिलता है आराम से, वो 25 से 30 के बीच में वेरी करता है। अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो लगा लो 24-26 ऐसा मिलता है, और हाईवे पे थोड़ा सा बेटर हो जाता है, 28 तक जाता है, 30 भी जाता है यार कभी कभार। देखो झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी खुद की बाइक है दोस्तों, कंपनी ने नहीं दिया रिव्यू करने के लिए, जो मैं अच्छा अच्छा बोलूँ, जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर माइलेज वगैरह है, तो माइलेज वगैरह जो है दोस्तों 25 से 30 के बीच में चले जाती है आराम से, ठीक है। अब बात आते हैं ट्रैवल पे, तो ट्रैवल पे जो इसके साथ सबसे अच्छी चीज़ है ना दोस्तों, ये है इसकी क्रूजिंग स्पीड। पावरफुल इंजन है भाई, मैं लद्दाख में था, पंकज भाई मेरे साथ थे, 80 किलो के वो, 80 किलो का मैं, 160 हो गए हमारे पीछे, बहुत सारा सामान, और भाई लद्दाख के, और दोस्तों लद्दाख में जॉर्जिला पास, आंगलांगला, खारदुंगला, चांगंगला, हर पासिस पे ना हम दोनों भाई बैठ के बिल्कुल प्यार से गए। जबकि मैं देख रहा था दोस्तों आइट साइड वाली बाइक्स कितना स्ट्रगल कर रही है जाने के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था और बाइक पुल नहीं ले रही थी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और ये मैंने देखा सामने। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि भाई वहाँ पर जो है पावर इस बाइक ने पूरी दी, और इसके साथ पावर लॉस नहीं होता दोस्तों हाई अल्टीट्यूड पर, जैसी ये अभी चल रही है ना ऑलमोस्ट वैसे ही चलती है, तो पावर इशू वगैरह कोई नहीं आता। तो ये चीज़ मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी। इसके साथ थोड़ा सा इशू जो लगता है आपको ट्रैवल पे, वो लगता है इसके सस्पेंशन का, क्योंकि दोस्तों देखो ये एक क्रूजर है, ठीक है, ये हाई स्पीड पर चलने के लिए बनाई गई है, और ये रोड पर चलने के लिए बनाई गई है, इसी की वजह से इसके जो सस्पेंशन है उनको स्टिफ रखा जाता है। अगर इसके सस्पेंशन दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइट होते तो बाइक जो है डिसबैलेंस बड़े प्यार से हो जाती है। तो ये इसका प्रॉस भी मान सकते हो या कौन सी मान सकते हो कि हाई स्पीड पर ये बाइक बहुत ही स्टेबल रहती है, मतलब जिसे कहते हैं ना ज़मीन से चिपक कर चलना, तो भाई ये जो बाइक है ज़मीन से चिपक कर चलती है बहुत ही बढ़िया। बट यस, अगर सडनली कोई भी एक बम्प आ जाता है दोस्तों, तो पिलियन के बैक में बहुत तेज की, जो आप कहते हैं ना लोअर बैक में बहुत तेज हिट करता है। तो यस दोस्तों, ट्रैवल के हिसाब से पावर जो है बहुत बढ़िया है, और क्रूजिंग स्पीड वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और उसी के साथ साथ बेस्ट चीज़ जो है भाई, सुना था कि रॉयल इनफील्ड हर जगह है, बट जब लद्दाख ट्रैवल करा ना, तो एक्चुअल में दोस्तों पता चला रॉयल इनफील्ड एक्चुअल में हर जगह है, और सर्विस जो है आपको बहुत ही प्यार से हर जगह अवेलेबल होती है। मतलब रॉयल इनफील्ड का नाम सुनकर ना कोई भी मैकेनिक झिझकता नहीं है कि भाई इसको मैं ठीक करूँ ना करूँ। GT कॉन्टिनेंटल वगैरह जो है ऑलरेडी बहुत टाइम से जो आ रही है मार्केट में, तो वही प्लेटफॉर्म पर ये भी बेस्ड है दोस्तों, तो आराम से जो है सर्विस अगर आपको बड़े प्यार से मिल जाती है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक। पहली बात तो इतनी सस्ती कोई बाइक मिलती नहीं है, 650 cc की जो ये पावर फिगर रखती हो, है ना, तो इन चीज़ों में अच्छी है। एंड अगेन दोस्तों आई एम सेइंग कि भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि यार मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले मैं अच्छी चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम्स वगैरह का बताता हूँ कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक साल में, और सर्विस कॉल वगैरह बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, ट्रैवल वगैरह करते हो ऑफ रोड के लिए तो बनी नहीं है, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों जो एक इशू आता है कभी कभार आपको, अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करते हो, वो है ग्राउंड क्लियरेंस का, जो ये है ब्रेकर्स वगैरह में ना लगती है। बट यस, अगर आप खरीदते हो, आप चलाते हो, तो आपको आदत हो जाएगी, और फिर आप क्रिस क्रॉस करके जो है चलाने लगोगे ना, तो वो भी नहीं लगेगी जैसा कि मैं आप करता हूँ। तो अब भाई लगती नहीं है बाइक ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। क्योंकि यार 135 mm की जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाती है, विच इज़ क्वाइट लेस। बट यस दोस्तों, अगर मैं लद्दाख की बात भी करूँ ना, मतलब लद्दाख में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ हमेशा, क्योंकि लद्दाख जब आप जाते हो दोस्तों, लद्दाख सर्किट करते हो ना, तो आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो अच्छे रोड हो, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड हो, लो अल्टीट्यूड, सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, लैंड स्लाइड वगैरह सब कुछ, मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ, तो सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इस बाइक ने हाई अल्टीट्यूड पर बहुत अच्छा परफॉर्म करा, पावर का लॉस नहीं दिया। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ अगर मैं बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करूँ, तो वो भी बड़े प्यार से कर ली दोस्तों। अगेन बाइक थोड़ी हैवी है, बाइक थोड़ी भारी है, बट यस इसके साथ पावर भी है, तो ये सब कुछ कर लेती है। और उसी के साथ साथ दोस्तों हाईवेज पे तो क्या ही कहने, हाईवे के लिए तो ये बाइक भाई किंग है। तो दोस्तों अगर आप ट्रैवल वगैरह के लिए लेते हैं तो गो फॉर इट, लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसके साथ मैं ऑफिस जाऊँगा, तो भाई इससे अच्छा आप एक गाड़ी ले लो अगर आपका मन है तो, क्योंकि खर्चा आपका सेम ही आने वाला है। तो ये दोस्तों ऑफिस गोइंग के लिए नहीं है, स्पेशली अगर आप एक सिटी में रहते हो तो, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और ट्रैफिक में वाट लगा देती है ये बाइक वाट, क्योंकि हैवी है, इंजन हीट करता है, बड़ा इंजन है, बार बार क्लच दबाना, बार बार गियर चेंज करना, एक तो इसके फुटरेस्ट भी आ गए हैं, सिटी में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल जो है फील होता है। बट यस अगेन आई एम सेइंग कि भाई तो एक बार खरीद लेते हो फिर आदत तो हो ही जाती है, बट जब आप खरीद रहे हो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ,
ठीक है, तो सिटी वगैरह के लिए आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, उसके लिए आप शॉटगन एक पल के लिए देख सकते हो, क्योंकि उसके फुटरेस्ट की पोजीशन वगैरह है ना वो थोड़ी न्यूट्रल है एज कम्पेयर टू दिस, इसके बहुत आगे हो जाते हैं। लेकिन भाई हाईवे वगैरह के लिए तो ये बाइक ऑप्टिमम है, स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है सामान वगैरह रखने का। नाइट राइड या फॉग लाइट के लिए हैजर्ड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो ट्रैवल वगैरह के लिए अच्छी है, सिटी राइड के लिए थोड़ा देख सकते हो आप, क्योंकि मैं इतना ऑप्टिमम नहीं मानता इस बाइक को, क्योंकि हैवी बाइक है सिटी में, तो भाई जितना मैं कहता हूँ लाइट जितनी बाइक हो उतना अच्छा है, तो सिटी के हिसाब से नॉट ऑप्टिमम, बट यस फॉर ट्रैवल फॉर हाईवे राइड्स अमेजिंग दोस्तों। ठीक है, और जो प्रॉब्लम आता है ना ट्रैवल पे आपको, पहली बात तो इसका चार्जिंग यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया है, वो तो भाई यूजलेस है, मतलब उसका कोई तो काम ही नहीं है। मिट्योर 350 में यहाँ पर था, मैं हर राइड पर उसको यूज़ करता था, एक साल से मैंने एक बार भी वो यूज़ नहीं करा है। तो रॉयल एनफील्ड पता नहीं मुझे आपने वहाँ क्यों लगा, लेकिन कोई भी बंदा उस पैनल को बार बार खोल कर दोबारा फिट नहीं करने वाला है ताकि उसको चार्ज हो पड़े, इससे बड़े वो पावर बैंक ले लेगा, तो यूज़लेस है भाई वहाँ पे। यहाँ पर था वो ठीक था। तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है जब आप ट्रैवल करते हो, और चार्जिंग वगैरह का है मतलब है, लेकिन पहले ज़्यादा अच्छा था मिट्योर 350 में। बाकी दोस्तों पोस्टर जो है ना दोस्तों, ये एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो फुटरेस जो है काफ़ी आगे है, आप पूरा आराम से बिल्कुल ही रिलैक्स होकर बैठते हो, बट अगर आप एक शॉर्ट राइडर हो ना दोस्तों, तो आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा आपको आगे होना पड़ता है हैंडल पकड़ने के लिए, तो उस केस में आपको जो है थोड़ा सा लोअर बैक में पेन मिलेगा, वो भी बहुत ईजिली नहीं मिलता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे मिलता है दोस्तों। काफ़ी बाइक कंफर्टेबल है, रिलैक्सिंग है, और जो इसके साथ क्रूज़ करने का मज़ा है वो बहुत ही बढ़िया है। तो भाई सारी अच्छी चीज़ें तो मैंने कह दिया, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मानते हैं मेन मुद्दे पर, मेन प्रॉब्लम पर। अब बात करते हैं सर्विस कॉस्ट वगैरह की। तो देखो एक बार ही शोरूम में घुसते के साथ ही ये 4 से 5 हज़ार रुपये मांगती है, विच इज़ ट्रू, ठीक है, एक बार भी घुसेगी, चाहे किसी के लिए भी ले जाओ। ब्रेक पैड चेंज कराओगे 3500 रुपये लग जाएंगे, आगे के करा लोगे 4000 लग जाएंगे, सर्विस इसकी 4 से 5 हज़ार रुपये में होती है। ब्रेक पैड लग गए तो भाई 7000 में हो जाएगी, 10000 में हो जाएगी। रॉयल इनफील्ड के हिसाब से महंगी है मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों 650 cc के हिसाब से ये सर्विस कॉस्ट बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। 650 cc और इस पावर फिगर के साथ, इस लुक के साथ बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। मेनली जो खर्चा होता है दोस्तों वो होता है ब्रेक पैड का, तो ब्रेक पैड इसमें ब्रैम्बो के डले हैं, आप चाहे तो वसेरा वगैरह के भी डला सकते हो, मैंने खुद डलवाए थे एंड वो भी ठीक ठीक काम करते हैं, वो 1200 रुपये के डल जाते हैं आपके। जो ब्रैम्बो के डलते हैं इसमें एक्चुअली, वो दोस्तों 3500 से 4000 रुपये के आते हैं एक बार ही चेंज कराते हो अगर आप तो। और दोस्तों मैं उसी के साथ साथ ब्रेकिंग की बात करूँ, ब्रेकिंग भाई टॉप नॉच, ब्रेकिंग के लिए तो भाई 10 में से 10 दूंगा भाई, 10 में से 10 ब्रेकिंग के लिए, क्योंकि बहुत बार भाई मतलब मैंने देखा है जब मैं ट्रैवल करता हूँ सामने से कोई भी आ गया, मैंने ब्रेक मार दिए खड़े और बहुत ही प्यार से भाई ब्रेक जो है लग गए, तो ब्रेक के लिए टॉप नॉच है भाई मतलब। और इसका जो डिस्क का साइज़ है ब्रेकिंग का, उसको भी बढ़ाया गया था ताकि भाई जो ये बड़ी बाइक है, जो ये हैवी बाइक है ना, इसको रोक सके। उसके साथ दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि इश्यूज़ क्या आते हैं। तो भाई पहली बात तो लोगों को इशू आ रहे हैं कि इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस जाते हैं, तो यार देखो मेरे को तो ऐसा सच कोई अभी इशू नहीं आया, मेरे जो ब्रेक पैड है 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चलते हैं, विच इज़ फाइन। और वो डिपेंड भी करता है दोस्तों कि आप बाइक कैसे चलाते हो, ठीक है, अगर आप ज़्यादा सिटी में चलाते हो तो ऑफकोर्स ही बात है आपके ज़्यादा ब्रेक पैड जो है खर्च होंगे, बार बार ही एक्सीलेटर दोगे, बार बार ही ब्रेक मारोगे तो ऑफकोर्स ही बात है जल्दी खर्च होंगे। उसी के साथ साथ दूसरा जो इशू आता है दोस्तों, वो आता है इसके चेन स्प्रॉकेट का। इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो कोई सोल्यूशन नहीं मिला है उसका, रॉयल एनफील्ड ने कुछ नहीं कराया उसके लिए, तो उसी के साथ साथ आपको इस बाइक को लेना पड़ेगा। इसका जो चेन स्प्रॉकेट है दोस्तों वो 7 से 10 हज़ार किलोमीटर चलता है, और उसके बाद आपको इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं 3000 रुपये ताकि इसका चेन स्प्रॉकेट बदल जाए। तो लेबर कॉस्ट वगैरह मिला के आपको 3000 से 3500 की कॉस्ट आती है। अगर आफ्टर मार्केट कराते हो तो 2500 में आपका चेन स्प्रॉकेट बदल जाता है, और उसके बाद ये बाइक जो है 10000 से 12000 किलोमीटर चलने के लिए दोबारा से तैयार हो जाती है। सारी वीडियो दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएगी मेरे, कि भाई ब्रेक के क्या अल्टरनेटिव है, टूरिंग एक्सेसरीज वगैरह क्या है, सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा इनकेस अगर आप नए हो तो। तो मेन जो इशू आता है दोस्तों मुझे चेन स्प्रॉकेट का लगता है। उसके बाद लोगों को ये भी फील हुआ है कि भाई 10000 किलोमीटर के अंदर ही अंदर इसकी क्लच प्लेट ख़राब हो गई है। भाई मेरे साथ तो ये इशू नहीं है, मैं 11000 चला चुका हूँ इस बाइक को, और ऑफकोर्स ये जो बाइक है अभी भी बहुत तेज़ भागती है, तो मेरे को तो नहीं फील होता भाई कि क्लच प्लेट ख़राब हुए हैं। ऑफकोर्स की बात है दोस्तों वो डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो, अगर आप दूसरे तीसरे गियर में इसको उठा रहे हो, हाफ क्लच पर चला रहे हो, तो ऑफकोर्स की बात है बाइक का जो क्लच है वो ख़राब होना ही होना है। तो मेन इशू बस एक ही है, वो है चेन स्प्रॉकेट का। तो 7 से 10 हज़ार किलोमीटर के बाद अगर आप 3000 रुपये या 2500 रुपये लगा सकते हो इस बाइक पे, तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे ना इसको अगर किसी और बाइक से, तो उनकी सर्विसेज वगैरह ही 7-8 हज़ार रुपये की होती है, तो मैं भी इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि भाई चलो ठीक है, अगर मैं वो लेता तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता इसके साथ, तो बस 10 से 12 हज़ार किलोमीटर पर भी यार वही है 2-3 हज़ार रुपये लगाने होते हैं, और 10-12 हज़ार किलोमीटर तो यार देखो मेरे तो भाई एक साल लग गए, क्योंकि और जबकि मैं इसको ठीक ठीक चलाता हूँ,
तो एक साल में 2-3 हज़ार रुपये फाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बड़ी बात है। बाकी कोई अल्टरनेटिव आता है तो ऑफकोर्स मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये जो है इशू आ जाते हैं इस बाइक के साथ। बाकी दोस्तों रैप अप करें तो बाइक बहुत अच्छी है। एंड दोस्तों अगेन मैंने बताया, कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो प्लीज़ कंसीडर दिस बाइक, ये बाइक काफ़ी अच्छी है। इशू मैंने आपको बता दिया है, मेन जो इश्यूज़ हैं इसके साथ वो चेन स्प्रॉकेट का इशू है, ब्रेक पैड का इशू नहीं लगता मुझे, क्लच प्लेट का भी इशू कोई नहीं आया है मेरे साथ अभी तक कुछ भी, ठीक है। ये चीज़ है, सस्पेंशन थोड़ी सी स्टिफ है क्योंकि ये क्रूज़र है, रिलैक्स होकर बैठते हो। फीचर वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है, ABS वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ब्रेकिंग टॉप नॉच बढ़िया। तो यार हर चीज़ में ना मैं कहूँगा यार ये बहुत अच्छी बाइक है। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, एंड आई एम सॉरी अगर आपका मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया हो। एंड अभी तक देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है मैंने मिस कर दिया या आप जानना चाहते हो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।